गुड मॉर्निंग रिची। 1 वीक के बाद लास्ट मंडे गए थे आप स्कूल और ट्यूसडे से बीमार हुए थे और आज आ गया ट्यूसडे। चलो खड़े हो जाओ जल्दी से। चलो बाबू आप क्या कर रहे हैं? आप मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? क्या हुआ मेरी शक्ल को? ओ भाई ये क्या, इसे ज्यादा जबरदस्ती उठाया, हमें जबरदस्ती उठाया हुआ। ओ ये तो आंसू आ जाते हैं सुबह सुबह उठते हैं तो, है ना। चलो गाइस गुड मॉर्निंग रिची। फर्स्ट डे ऑफ द स्कूल, आर यू हैप्पी? हैप्पी तो बहुत लग रही हो, एक्साइटेड? आज स्कूल जाओगी? ठंडी तो लग रही नहीं यूनिफॉर्म में? तो भाई बहुत ही स्मार्ट यूनिफॉर्म आई है। और ठंडी तो लग रही? ग्लव्स पे लग रही। ग्लव्स पे लग रही। ग्लव्स अभी जब बोलेंगे मैम तो ग्लव्स भी बना के भेजेंगे, ठीक है? लकड़ी लाए देखो, पता नहीं किसका पीले लाए। अच्छा किसका पीले लाए होंगे पापा? वो सर्दियों में साग सेकेंगे। आ जाओ। अरे गुड मॉर्निंग जी करो महाराज। गुड मॉर्निंग। एक बार उठते का फोन गिरता धड़ा पड़ोज। हां गुड मॉर्निंग छोटू। हां मेरा छोटू गुड मॉर्निंग, कैसा है बेबी? रिदा स्कूल। यस बेटा, मामी ने सुबह रिदा को स्कूल भेजा था। यस मामी स्कूल नहीं, रिदा स्कूल। हाँ वैसे मामी कर नहीं पाई थी टाइम से तो हो सकता है उन्हें दोबारा डालना पड़े। अब गुड मॉर्निंग तो कह दो कीचू मामू को। हेलो मामू तो बोल दो। गुड मॉर्निंग। ये देखो ये इनके कराम आता है। गुड मॉर्निंग जी, क्या हाल है? स्लेप्ट वेल? ये देखो यार बिस्तर बिस्तर एकदम तैयार कर देती है ये, बेस्ट चीज। बस यही करती है। कोई बात नहीं यार, वहाँ पे भी तो करती है तू। सब टेंशन फ्री रहो यार, जिसको जो काम कर पा रहा है वो करे। यहाँ पे कोई स्ट्रेस नहीं है इस घर में, सब अपना अपना काम करते रहो धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या सुन रहे हो? क्या लगा है? ये पादसा कैसे आया है एलेक्सा में से? एलेक्सा को गैस हो गई मेरे को लगता है। So, आज है ट्यूसडे और वैसे कायदे से मेरा ऑफ होना चाहिए था बट ऑफ नहीं है क्योंकि मेरे क्लाइंट आ रहे हैं। वो इज़ फ्रॉम जापान अपेरेंटली एंड ही लिव्स इन बैंगलोर अभी, तो ही इज़ गोइंग बैक। तो उनको एक प्रॉपर्टी देखनी थी तो आज मैं जा रहा हूँ उनको लेके द्वारका एक्सप्रेसवे। और भगवान की देन रही तो आज पहली सेल मिल जानी चाहिए हमें, बाकी लेट्स सी कैसे होता है। सो द्वारका में एक प्रोजेक्ट है टाटा लवीडा, मैं उनको वो विज़िट कराने जा रहा हूँ क्योंकि वो थोड़े से इंटरेस्टेड थे किसी ब्रांड के प्रोडक्ट में। सो आई एम जस्ट टेकिंग देम देयर। और रास्ते में हमें छोड़ना है एक और ब्रांड को जो कि है टाटा हरजाई फैमिली। कीचू आज पूरे दिन खेली खेली करेगा। किसके साथ कीची? विंटू के साथ। विंटू कैसे करता है? दादी के साथ। दादी और चाचू मिलेंगे, आदित्य चाचू। अच्छा और दादू मिलेंगे, दादू। वेरी गुड, विंटर भी मिलेगा। अभी छोड़ के इसको फिर आगे निकलेंगे एंड देन सी यू गाइस सून। ऐसे असेंबली हुई थी। हाँ। और मैम ने क्या पूछा आपसे आज? जब वो बोलेंगे नॉट इन तो ऐसे करना है। नॉट इन नहीं, स्टैंडर्ड इज। हाँ और दूसरा क्या होता था? अटेंशन। मेरे को याद ही नहीं आता भाई, मैं भूल गई। अटेंशन स्टैंडर्ड ईज। अटेंशन। हाँ मखा लिया। स्टैंडर्ड ईज का मतलब क्या होता है रिदा? कि पीछे हैंड्स करके खड़े हो, कि आप आराम से खड़े हो। अटेंशन मतलब कि आपको हमेशा वो रहना है, अटेंटिव रहना है। अटेंशन मतलब कि ध्यान, ऐसे हिंदी में नहीं आ रहा कर बताना। और स्टैंडर्ड ईज मतलब आराम से रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स। ओके तो दादी लेके जा रही है रिदा को पार्क। तो हो रहे हैं बहुत सारे कपड़े धोने वाले। रिदा गई हुई है पार्क मम्मी के साथ। मैंने सोचा पीछे से कर लें हम अपने काम, नहीं तो आके उसको टीवी चला के बिठाना पड़ेगा। खाना भी खिलाना है उसे, बस एक बनाना खा के गई है वो। और सही साहब का दूसरा स्वेटर निकल चुका है, खुले खुले स्वेटर। अभी जगह ही नहीं हो रही है भाई रखने के कपड़े, मैं इसलिए निकाल भी नहीं रही हूँ अपने वाले कपड़े, थोड़ा टाइम बाद निकालूंगी। और अभी कपड़े लगाते हैं धोने के लिए। और चाय भी थी, पोहा खाया था चाय के साथ। अब हृदय आएगी तो उसके साथ थोड़ा सा खाना भी खाएंगे। सो एट प्रेजेंट द हाउस इज अ कंप्लीट मेस। अभी बस बाहर से कपड़े उतार के लाई हूँ जो सूख रहे थे, तो बहुत ही गंदा हो रखा है भी घर। और मुझे लग रहा है कपड़ों के भी दो लॉट लगाने पड़ेंगे। और मेरी हालत देखो कैसे सी हो रखी है। फिर मैं सारा काम वाम करके फिर मैं नहाऊंगी। तो मेरा व्लॉग आज हो गया है ऑन टाइम परफॉर्मेंस, बिकॉज सेठी साहब ने हेल्प कर दी थी। सेठी साहब ने एक प्रॉपर पूरा एडिट किया था। मुझे आई जस्ट हैड टू सी इट एंड सुपरवाइज इट। सुपरवाइज नहीं मतलब कि फाइनल करना था मुझे, पर उन्होंने ऑलमोस्ट कर दिया था, तो वो वाला लोड उतर गया था। मैं आपको सोच रहा हूँ कि इतना सांस के मेरे को चढ़ा हुआ है क्योंकि मैं ऊपर नीचे हो रही थी, इस वजह से। तो बहुत सारा काम पड़ा है पेंडिंग। तो मैं सोचती पई हृदा ते आन तो पहला मैं जिन्ना कर पावा वह मैं कर ला, क्योंकि वो आन तो बाद फिर उन्हें रोटी खिलाओ तो आ करो तो वो करो। तो चलो जी लगो काम ते। तो मेरा बिग बॉस भी पेंडिंग चलता पाया है। मैं बिग बॉस भी नहीं देखा, उन्होंने मैंने फोन भी आया सी भी तुसीं देख नहीं रहे, तुहाडी टिप्पणी नहीं आई हैगी। मैं क्या मैं देखती हाँ, फिर मैं थानू दसांगी भी की करना है अगे, किनू कढ़ना है तो किनू रखना है। वारके जी सबको मशीन खराब हो गई है, फाइनली घूमती नहीं पई। मेरी यही तही करती मशीन ने। भाई मैंने इतने सारे कपड़े निकाल दिए, मुझे लगा लोड ज्यादा हो गया शायद इस वजह से नहीं घूम रही है, बट घूम ही नहीं रही है। मना कर दिया उसने, मेरे को साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं नहीं घूमूंगी, देख लो आपने क्या करना है। तो पहले मेरे पास थोड़ा काम कम था, तो हुण मेरा काम होर वध गया है। तो मेरे को ना बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, पता है इस टाइम मैं आई एम वेरी इरिटेटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड। इट्स जस्ट दैट आई एम नॉट शोइंग यू गाइज, बट मुझे बहुत एक्चुअली में गुस्सा आ रहा है बिकॉज मैंने कपड़े डाले थे और वो मोटे वाले कपड़े हैं। मोटे मतलब वही सर्दियों के बच्चों वाले कपड़े डाले थे, और मैं एक एक करके मैंने बहुत सारे कपड़े निकाल दिए कि चल इनको हाथ से धो दूंगी और ये चल जाए किसी तरीके से बहन। बट वो बीच बीच में घूम हो रही है, बट वो घूम नहीं रहा उसका चक्रा। तो हुण मुबारक जी सारिआं नूं, हुण नवी मशीन आएगी सब तो पहला, क्योंकि हुण मेरा हो गया बस इस दे नाल ना, इन्ना ही सीगा मेरा इहदे नाल साथ। ये देख लो, ये इतना कपड़ा मैं हाथ से निकालने के लिए मैंने निकाल लिए, पैंटें और जो जैकेट्स वगैरह। और कुम्पी घूमगी भाई, मुबारक सबको घूम पड़ी है ये। कह रही नहीं, जैसे मैंने बोला ना कि मैं छोड़ दूंगी इसे, वैसे ही घूमगी। मुझे डर गई, मैं तो डर गई। इसके साथ तो ये वाला हाल हो गया भाई मशीन के साथ, हमारी के साथ। फिर चलो भाई बहुत ज्यादा यार सब फैलावट हो रखी है। और मेरा ये बेड पूरा देख रहे हो कपड़ों से भर चुका है। ये कपड़े 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 पानू फिर नहीं कभी कपड़ा। तो हृदा सेठी आ गई हैं वापस, और अभी चल रहा है हमारा डिनर टाइम, नहीं लंच टाइम लंच टाइम चल रहा है। दादू देखो, अब दादू आपको डाइनिंग टेबल छोड़ के अब दादू आपको यहाँ बैठे मिलेंगे व्लॉग्स में, बिकॉज हमारे घर में वैसे तो थैंकफुली चारों तरफ से धूप आती है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। और हमारी जगहें चेंज होती रहती हैं, सुबह उस साइड होते हैं पापा है ना उधर वाली बालकनी में, और शाम आते आते तक हम घर के साथ घूमते धूप के साथ घूमते घूमते यहाँ आ जाते हैं, फिर ऊपर पहुंच जाते हैं। हाँ ऊपर भी बहुत मिलेंगे, ऊपर तो आपने देखा ही है, ऊपर 3 से 4 के बाद ऊपर आती है। पापा आपका फेस ऐसे ग्लो कर रहा है धूप की वजह से। सीजन की पहली गच्चक आ चुकी है मार्केट में भाई। आपने क्या है पापा? मूंगफली की पट्टी आप लाए? हाँ मदर डेयरी से। भाई बहुत स्वाद है, ये खाओ। गच्चक गर्म होती है, ये ठंड अंदर से दूर करती है। हृदा को भी बहुत पसंद है। हाजमा गुड़ है, गुड़ गर्मी देता है, और मूंगफली भी, मूंगफली भी गर्मी देती है। तो खाओ जी भर के, लो आपका मन ललचाने के लिए हम आपको प्रॉपर व्यू देंगे। चॉकलेट खाने से ना कुछ वो नहीं बनती है हृदा, चॉकलेट नहीं खाना। पापा हमारे बन गए हैं सूरजमुखी, सूरज के साथ इनकी डायरेक्शन चेंज होते हुए, और पापा ऊपर आ गया। अब बस अब यहाँ जब 4, 5, 4, 4:30 तक रहेगी। आपने लेटना, पिल्लो विल्लो दूं? ठीक है तो वो लेटने का क्या, धूप तो बस इधर ही आ रही है, ऊपर आ रही है। हाँ लेटूंगा, धूप नहीं आएगी। थोड़ी देर बाद छत के ऊपर रित्सा चलो नहा लो बेटा। चले स्कूटर मिल गया, कहाँ था? छत पे पड़ा। छत पे पड़ा था? ये क्या पहन के घूम रहे हो आप बेब? कीचू की याद आ रही। कीचू को याद आ रही मेरे बेबी को। हेलो भाभी। हेलो भाभी। हेलो मामी। बेटा कीचू ने अभी अपने घर भी जाना है ना, जाना तो हमें ज्यादा याद आएगा। अभी नहीं, जब वो यूके जाएगा तो आपको ज्यादा याद नहीं ना करना उसे, ठीक है? हाँ, पर वो अभी कितनी देर में आएगा? जाके बाहर जल्दी से बंद करके आओ पाइप। श्रद्धा को बिठाया अभी, बस नहला धुला के पढ़ाने के लिए। और मेरी हालत, आई एम स्टिल द सेम एंड आई एम वेरी वेरी टायर्ड टुडे। बहुत थकावट हो गई है बिकॉज साफ सफाई में। डन विद स्टॉमी। तो ये देख रहे हैं आप जैसे साफ सफाई काफी ज्यादा हद तक हो चुकी है, थोड़ी बहुत रह गई है वो मैं साथ साथ कर रही हूँ। और इसको मैंने कहा इसको भी बिठा दें, पढ़ाई जरूरी है इसकी भी। सो द हाउस हैज बीन क्लीन। काफी जोर लग गया आज मेरा काम करते करते। एक दिन एवरीवन में अभी चीज होता, जब हमने दोनों ने मिलके पूरा रूम साफ किया था, पूरा घर साफ किया था। हाँ। पापा नहीं थे तो मैंने देखा कि मम्मा शूट करती, मम्मा वॉशरूम में थी तो मैंने देखा कि फोन पड़ा हुआ है खुला। मैंने फोन लिया, उसको खोला, वॉशरूम दिखाई कि वॉशरूम साफ हो गया है, वॉशरूम दिखाई पूरा कर दिखाया, बाहर जाके चैनल पे दिखाया मैंने। तो ये एक बाल्टी कपड़े और धुल गए थे, बस इसको डालना है, बट देयर इज नो प्लेस। और सारा घर हो चुका है साफ। तो फाइनली अब सारी साफ सफाई करने के बाद नहाया जाएगा। दिव्या का फोन आया था, शी इज ऑल्सो गोइंग टू कम, तो मैंने कहा जाके नहा लें और आते फिर मिलते हैं आपसे। सो नहा धो के हम बन गए हैं बाबू और घर भी चमक गया, हम भी चमक गए। अब बस श्रद्धा को नीचे लेके जाऊंगी और अब हो रहा है चाय पीने का मन। सीरी साहब नहीं है तो, नहीं तो उनसे रिक्वेस्ट कर दी जाती कि चाय पिला दो, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा यार घर तो एक फैला हुआ था और कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो रखे थे। अभी भी मैं 2 लॉट धोने के बाद एक और लॉट निकल चुका है, बिकॉज मैंने बेडशीट वगैरह भी चेंज करी, कुशन कवर्स वगैरह तो वो भी हो गए हैं। बट चलो कोई नहीं, अब तो मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं है और कुछ करने की, तो बस अब हृदय पे लगेंगे। हृदय को भी पढ़ा दिया, बीच में से बिठा दिया था, तो अब बस उसे खाना वाना खिलाऊंगी, फिर दिव्या आ जाएगी थोड़ी देर बाद, फिर उसे सुला दूंगी। 8-8:15 तक मैं उसे ले जाती हूँ यूजुअली सुलाने के लिए, बिकॉज उसे सुबह जल्दी निकलना होता है। so much fun, da 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 see me playing on my drums, okay okay अभी मतलब 10 सेकंड नहीं आ गया ये da 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 see me playing on my drums। स्कूल यहाँ पे कैसे जैसे थोड़ा आगे मैं कीचू को विंडो से बाय कर दी, मैं बिल्कुल विंडो साइड पे बैठी थी, सो उसको चढ़ आपने रीता का स्कूल देखा था कीचू? आपने रीता दीदी का ये कौन है ऊपर? मामी के साथ बुआ कहाँ घुस के बैठे हैं यार ये दोनों। Let's finish, let me finish clapping। रीता दीदी को एक आउट। अरे उसको बोल रहा है यही बैठ कीचू, आओ कम आउट। अरे अब क्या है भाई कि बच्चा अरे चक्कर आए उसके पीछे जाना चाहते हैं। अरे छोड़ दे रीता, बैठ जा बेटा उसके साथ, उसको आपको लेके जाना है। अच्छा बैठ बैठ सिट रीता का बिक बैठ। उसको पर्दा भी लगाना है भाई ने, भाई पर्दा लगाना है। हाँ जी भाई कितना है साहब? मैं यार अभी 8:30 हो गए हैं और आई एम जस्ट गेटिंग बैक फ्रॉम माई विजिट। अच्छी विजिट रही है आज काफ़ी। द क्लाइंट इज़ इंटरेस्टेड, ही लाइक्स द प्रॉपर्टीज़ दैट आई हैव शोन हिम। एक टाटा की थी, एक एक्सपीरियन थी, एक M3M थी। सो द्वारका एक्सप्रेसवे पे ही लाइक्स द एरिया, उन्हें समझ में आ रहा है कि यू नो दैट थिंग इज़ गोइंग टू यू नो गिव गुड रिटर्न्स इन द कमिंग फ्यूचर। तो बस उनको दिखा दिया है और अभी घर आए हैं और घर वालों के लिए मैं लाया हूँ लड्डू मम्मा के लिए और मोमोज ऑर्डर करे हैं हम तीनों के लिए। तो चलो खाते हैं और इन सबसे मिलते हैं। तो आज दादू ने बनाया है चिकन सूप और खुशबू पूरे घर में आ रही हैं और मैं हृदा और दिव्या के लिए लेके जा रही हूँ। थैंक यू पापा, ये बहुत अच्छा होता है कोल्ड वोल्ड के लिए। पापा को भी एक्चुअली कोल्ड हो रहा था, दैट्स व्हाई ही मेड इट। नमक चेक हो रहा है, बढ़िया ठीक है, ओके जी। क्या हाल है जी? गुड इवनिंग। पापा ने बनाया आज सूप यार, मज़ेदार। तो बस पापा मेरे को सर्व कर रहे हैं आते ही। और माता जी क्या कर रही हैं? माता जी को लड्डू दे दिए तो माता जी लड्डू खोल रही हैं। हाँ जी क्या हाल है? सो द फेवरेट मील ऑफ नॉर्थ इंडिया इज मामोज। इसे देख लो, ओह बड़े दिन बाद खाए इसने। हाँ मामो खाओ, ओ मामो। तो हम लोग यार एंजॉय कर रहे हैं। ये लड़की देखे आप, तुम पीली पीली क्यों लग रही हो? उसमें क्या हुआ है? पूरा साफ किया। हाँ घर होगा। दो लॉट कपड़ों के धोए, तुम्हारी मशीन खराब हो गई। उसने जवाब दे दिया, वो घूम ही नहीं रही चक्का। उसके बाद वहाँ से उसने कपड़े निकाले, कपड़े हाथ से धोए, सोचो मोटे मोटे कपड़े। तो अब हो गया काम इसका, मशीन का। पता है मैं तो बहुत खुश हो गई थी, मैंने लोगों को भी बधाइयाँ दे दी थी कि चलो आप भी खुश हो जाओ। फिर जैसे ही मैंने उसके ऊपर जाके कैमरा रखा अपने आप ऐसे कैसे कैसे चल रही थी दिखा रही है कैमरे में चल के पूरी। ओह गॉड बेटे बस ले ले लो मेरे बेटे, खा मेरे बच्चा, खा ले मेरे बच्चा। एक बेटे एक एक करके खा लो ना, दो चाहिए एक साथ। एक्टिंग कर दी। खड़े होना पड़ेगा ना गेम के लिए। या खड़े हो फिर झल्ले की लहरी। हाँ क्या वो देखो।